हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Redmi 13C Android मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के सिस्टम नेविगेशन को चेंज कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम नेविगेशन आपको लिखना है, तो नीचे आपको सिस्टम नेविगेशन ऑप्शन शो होता है, इसे सेलेक्ट करना है। आपका ये वाला पेज आएगा। सिस्टम नेविगेशन के पेज में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है जेस्चर का और एक है बटन का। तो आप ये जेस्चर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो इससे आपके मोबाइल फोन का सिस्टम नेविगेशन चेंज हो जाएगा। देखिए, जब आप जेस्चर नेविगेशन आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके नीचे से मोबाइल फोन के नीचे से तीनों बटन गायब हो जाते हैं। अब देखिए, आपको अपने मोबाइल फोन को यूज कैसे करना है। मोबाइल फोन के लेफ्ट साइड ऊपर से नीचे कहीं से भी आप उंगली को ऐसे किनारे से खींचना है और फिर छोड़ देना है, तो आपका फोन बैक पेज पे जाएगा। इसके बाद आप राइट साइड से भी ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए, खींचेंगे छोड़ेंगे तो आपका फोन जो है बैक पेज पे चला जाएगा। अब इसी तरीके से आप नीचे से ऊपर की तरफ खींचना है ऐसे, तो आपका फोन देखिए इस तरीके से ओवरव्यू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन में सिस्टम नेविगेशन को चेंज करके यूज कर सकते हैं। ठीक है।